News 18, India. एमएसपी पर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। कंक्रीट की बैरिकेडिंग तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे आंदोलनकारी। पंजाब के डीजीपी ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी मशीनों और गाड़ियों के ले जाने पर रोक लगाई। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर एक्शन लेने को कहा था। बंगाल के संदेशकाली पर तेज हुई सियासत। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बीएचपी का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता पर साधा निशाना, कहा ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं को सामने आना और उनकी सुनवाई ना हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा यूपी का भविष्य नशे में नाच रहा है। बोले वाराणसी में यूपी के भविष्य को रात में नशे में सड़क पर लेटे देखा। स्मृति ईरानी ने किया पलटवार, भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करे, काशी वासियों का अपमान करे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। नड्डा बोले बीजेपी एक देश एक चुनाव का पूर्ण समर्थन करती है। पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, इसके प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन करती है। देश में अब गोदामों की कमी के चलते नहीं होगा अनाज खराब। सरकार बनाएगी 63,000 वेयरहाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करेंगे अन्न भंडार योजना का शिलान्यास। ये प्रोग्राम अभी लॉन्च हो रहा है। 24 को द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी इनॉग्रेटिंग द प्रोजेक्ट। निर्वाचन अधिकारी धानली सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। निर्वाचन अधिकारी रहे अनिल मसीह पर केस चलाने का दिया आदेश। राजस्थान के अलवर में बीफ की अवैध मंडी पर चला बुलडोजर। पुलिस ने गौकशी और बीफ मंडी चलाने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम 4:50 पर रुबिका लियाकत के साथ देखिए नया शो गूंज।